हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरनाथ यात्रा 2023 में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के दिन हम बाबा अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट करते हैं चंदनवाड़ी से। तो अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं चंदनवाड़ी की तरफ और ये रास्ता है चंदनवाड़ी तरफ जाने का, और रास्ते में आरू वैली और बेताब वैली देखते हुए चलेंगे चंदनवाड़ी। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चंदनवाड़ी। अभी गए हम चंदनवाड़ी पहुंच गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो लाइन में थोड़ी देर खड़े रहने के बाद हमारा एंट्री होगा अंदर जाने। तो थोड़ी देर लाइन में रहते हो, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से यहाँ पे भीड़ वगैरह है, सब कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद हमारा चेकिंग वगैरह होगा और उसके बाद चलेंगे अंदर, वहां से हमारी यात्रा हो जाएगी स्टार्ट। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ है। ये अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने से लेकर जब तक खत्म नहीं होती तब तक इतना भीड़ तो रहता है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा तो रहता ही रहता है, कम नहीं होने वाला जब तक यात्रा चलेगी, इतना भीड़ तो रहेगा ही रहेगा। तो आप देख सकते हो गाइस, हमको अभी यहाँ से जाना है अंदर, वहाँ हमारा लगेज वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, हमारा जो RFID कार्ड वो चेक करेंगे, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे चेक करेंगे, और हमारा जो 3 पेज में रजिस्ट्रेशन है उसमें से 1 पेज यहाँ काट के लोग ले लेंगे और 2 हमको वापस दे देंगे। और देखो कुछ इस प्रकार से रास्ता है यहाँ का, और हमको जाना है यहाँ से अंदर, और हमारा जो लगेज वगैरह चेक करेंगे सामने की साइड, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद हमको जाने देंगे आगे, उसके बाद हमारी यात्रा हो जाएगी स्टार्ट आगे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन अभी चेक करवाएंगे और RFID भी यहाँ पे चेक करवाएंगे। तो देखो आप लोग, यहाँ पे RFID और रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, देखो। तो गाइस, अभी हम लोग हमारा लगेज पूरा है और चेक करवाएंगे, यहाँ पे हम हमारा लगेज दे देंगे, दूसरी तरफ आ जाएगा, और पूरा लगेज चेक करने के बाद हम दूसरी साइड चले जाएंगे, और वहां से हमारे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का हो जाएगा प्रारंभ, मतलब यहाँ से हमारी यात्रा हो जाएगी स्टार्ट। अभी हम लोग यहाँ से यात्रा कर देंगे स्टार्ट हमारी बाबा अमरनाथ। तो देखो गाइस, हमको यहाँ से यात्रा करनी है स्टार्ट, और लगातार 3 दिन तक हम इन पहाड़ों पे चढ़ेंगे, तब आएगी बाबा अमरनाथ जी की गुफा। तो गाइस, अभी सुबह के बजे है 6, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे जो बहुत सारे भंडारे वगैरह चल रहे हैं उसमें हमको सबसे पहले नाश्ता करेंगे। देखो ये सब नाश्ते में मिल रहा है, एकदम हल्का फुल्का खाना है नाश्ते में भी, क्योंकि यहाँ भंडारा इतना सारा है कि जो चाहिए, जो आपको मांगोगे वो मिलेगा भंडारे में, बहुत सारा खाना मिलेगा भंडारे में। अभी हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया, और अभी हम लोग ने यात्रा कर दी है स्टार्ट यहाँ से, महादेव का नाम लेके हमने हमारी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा कर दी पहले दिन से स्टार्ट। अभी हम लोग तो लगातार 3 दिन तक चलेंगे, तब जाके हम लोग पहुंचेंगे बाबा अमरनाथ की गुफा तक। तो गाइस, हमने चंदनवाड़ी से बाबा अमरनाथ की यात्रा कर दी है स्टार्ट, तो अभी देखेंगे रास्ते में क्या क्या आता है पूरे रास्ते में, और कहाँ पे हम लोग रुकना पड़ता है, एक दिन खत्म होता है हमारा, तो सब कुछ दिखाते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ बाबा अमरनाथ की गुफा तक। और बने रहिए हमारे वीडियो में पूरा, जरूर देखिए, आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर देना। तो अभी हम लोग फिलहाल चंदनवाड़ी में है, और चंदनवाड़ी यहाँ पे बहुत सारे घोड़े वगैरह सब कुछ आपको मिल ही जाएगा यहाँ से चंदनवाड़ी से। और गाइस, अगर आप लोग को घोड़ों में यात्रा करनी है, या फिर चल के यात्रा करनी है, या फिर पिट्ठू में यात्रा करनी है, जो आप 3 से 4 प्रकार से यात्रा हो सकती है, आपको कौन सी यात्रा करनी आप अपने हिसाब से तय करना। और आप मेरा मानो तो चल के जाने में जो मजा है वो घोड़ों में नहीं है, और पिट्ठू में भी नहीं है, चल के जाने में वो मजा। वैसे आपकी सेहत भी बने रहेगी, इतना 2-3 दिन चलेगे आप लोग तो सेहत भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। तो देखो अभी हम लोग चंदनवाड़ी में, यहाँ पे अभी बेस कैंप है, मतलब यहाँ पे रुकने के वगैरह के सब व्यवस्था है यहाँ पे, और रेंट मिल रहा है, मतलब रेंट पर आपको ये जो टेंट है वो सब मिल रहा है भाड़े पर एक दिन के लिए। देखो तो गाइस, ये जो पहलगाम से रास्ता हो रहा है बाबा अमरनाथ की गुफा तक जो जा रहा है रास्ता, ये रास्ते में कम से कम 2 से 2.5 दिन तो लगता ही लगता है।
रहा है पहुंचने में गुफा तक। और जो कोई अच्छा है मतलब कि जो बहुत ज्यादा चल नहीं पा रहे वो कम से कम 3 दिन दिलेगा बस, उससे ज्यादा नहीं होगा यहाँ से गुफा तक पहुँचने में। और अगर आप लोग को ये सफर नहीं करना मतलब 3 दिन की यात्रा नहीं करनी और एक ही दिन में यात्रा खत्म कर देनी पूरी यात्रा, तो आप लोग जा सकते हो बालटाल से। तो बालटाल से मतलब जो कोई अच्छा चलने वाला होगा तो 4 से 5 घंटे में गुफा तक पहुंच जाएगा बालटाल से। अगर कोई अच्छा चलने वाला नहीं है तो कम से कम 7 से 8 घंटे, इतने टाइम में आप लोग आराम से बड़े आराम से बाबा अमरनाथ जी की जो गुफा है वहां तक पहुंच जाएंगे और एक ही दिन में पूरी यात्रा करके वापस दर्शन वगैरह करके वापस नीचे भी आ सकते। और जो पहलगाम का जो रास्ता है वो तकरीबन 3 दिन तो चढ़ाई वाला ही रास्ता है, उसके बाद वापस यही रास्ते से आना है तो भी 2 दिन लगेगा। और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपको पहलगाम से जाना है और बालटाल से उतरना है तो आप वो भी कर सकते, पहलगाम से यात्रा करने जाना है गुफा तक और गुफा के बाद वापस बालटाल वाले मार्ग से नीचे उतर जाना है, वैसा भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यात्रा कर सकते हैं। और देखो गाइस ये कुछ इस प्रकार से रास्ता है यहाँ बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक जाने का। देखो ऐसा रास्ता आएगा जो पहलगाम से है वो ऐसा ही रास्ता है और बालटाल वाला रास्ता है वो थोड़ा ज्यादा चढ़ाई वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश के अंदर ऐसी जगहें बची कुछ ही जगहों पे ऐसी जगह मतलब इतना अच्छा सौंदर्य इतना अच्छा नजारा वगैरह सब कुछ मिलने के जो हमको देखने लायक हो ऐसा बहुत कम लोग जगह पे ऐसा बचा हुआ है, तो हम लोग इसको भी क्यों खराब करें। मतलब कि मैं अपनी यात्रा कर रहा हूं ना तो हमें जहां पे देखो चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा मतलब कचरा, जहां देखो वहां पानी की बोतल वगैरह जो बिस्किट के पैकेट वगैरह वेफर वगैरह सब कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह सब कुछ बिचरा हुआ है फेंका हुआ चारी को। और जो यहाँ पे रिवर जा रही है झेलम रिवर उसके अंदर भी बोतल वगैरह फेंकते हो यार ऐसा मत करो, ये हमारे भारत देश के अंदर बची कुची जगहों पर ऐसा नजारा हमको देखने को मिल रहा है तो इसको तो हम लोग साफ सुथरा रख सकते कि नहीं, तो यार ऐसा मत करो। क्या हम लोग हमारे घर के अंदर चारों तरफ कूड़ा फेंकते है? नहीं फेंकते हैं तो फिर ये भी हमारा घर ये हमारा भारत देश है हमारा घर नहीं क्या, तो इसमें भी चारों तरफ यार कूड़ा मत फेंको, ये अच्छा रहेगा तो हमारा हेल्थ वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा। और गाइज एक बात और बताना चाहूंगा कि 3-4 दिन से मैं एकदम फ्री था, 3-4 तो मैंने हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें खोल के मैं बहुत सारे वीडियो वगैरह देख रहा था यूट्यूब में, अमरनाथ जी का हो या फिर केदारनाथ का हो या फिर कोई दूसरी जगह का हो, मैं बहुत सारे वीडियो देखा तो उसमें लोग बोल रहे थे गाइज हमको ये हो गया हमको ये हो गया इनको ये हो गया हमारा सांस लेने तकलीफ हो रहा है वो हो गया, तो सब कुछ होता ही है गाइज अगर आप लोग कोई ऐसी जगह पे जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार बोलते रहना है कि हमको ये हो गया ये हो गया, या आप अपने लिए यात्रा करो ऐसा नहीं कि भगवान के लिए, आप महादेव के लिए यात्रा करो यार ये हमारे लिए यात्रा करे, हम अपनी खुशी के लिए यात्रा कर रहे हैं तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि हमको ये हो गया वो हो गया। हाँ ऐसा बोलना जायज है कि आप लोग कभी 50 या 100 सीढ़ी भी नहीं चढ़ के गए और डायरेक्ट आप लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करोगे तकलीफ तो होगा ही ना गाइज, ऐसे में ऐसे जाओगे तो तकलीफ होगा। और गाइज एक बात और, अगर हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलवाना हो तो इतना तकलीफ तो रहेगा ही, ये तो रहेगा, फिर चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो या केदारनाथ की यात्रा हो या किन्नर कैलाश की हो या फिर ओम पर्वत की कोई सी भी यात्रा हो, हमें इतनी तकलीफ तो होने वाली है और हम इतना तकलीफ तो उठा सकते हैं हमारे लिए। 1 2 3 4 तो देखो गाइस आप लोग ऐसी ऊर्जा के साथ जागे फिर आप कोई भी यात्रा कर लो आप कुछ नहीं होगा, आपका पैर भी नहीं दुखेगा कोई भी यात्रा कर लो आप।
तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने हमारा जो पहला पड़ाव है वो कर लिया पूरा पार। मतलब हम लोग चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप पहुंच चुके। अभी हम लोग पिच्छू टॉप में यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथी वगैरह थोड़ी पीछे रह चुके हैं, उसका हम वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग सब साथ में चलेंगे यहाँ से आगे वापस और यहाँ पे रेस्ट करेंगे और यहाँ पे खाएंगे नाश्ता वगैरह करेंगे वापस यहाँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भंडारा चल रहा है। देखो ये बहुत बड़ा भंडारा, हम लोग यहाँ पे अभी रुके और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे। तो गाइस आप लोग को ये पिच्छू टॉप में भी बहुत सारे भंडारा वगैरह मिल जाएगा और जो भी खाना है सब कुछ मिलेगा। गाइस आप लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करो, जो जम्मू से लेकर जो बालटालिया पहलगाम कहीं पे जाओ या फिर अमरनाथ गुफा तक जाओ, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं। कहीं भी जाओ पूरे यात्रा में आप लोग को खाना पीना एकदम फ्री में मिलेगा भंडारे के। देखो हम लोग यहाँ पे सूप पी रहे हैं और उसके बाद सूप पीनेंगे थोड़ा, उसके बाद चलेंगे वापस यहाँ से आगे, हमारी यात्रा कर देंगे वापस आगे स्टार्ट। तो गाइस हम यात्रा के दौरान जो चंदनवाड़ी से निकले और पिच्छू टॉप पहुंचे वहां तक में हमने बहुत सारी डिश वगैरह ट्राई कर ली, 3 से 4 प्रकार की, खीर हो या फिर गोलगप्पे हो या सूप वगैरह, बहुत सूप ट्राई कर लिया। अभी हम लोग यहाँ सूप वगैरह पियेंगे उसके बाद वापस यहाँ से निकलेंगे आगे जो शेषनाग झील है वहां तक जाएंगे, क्योंकि हमको 1 बजे से पहले हमको शेषनाग झील है वो पार करना, क्योंकि हम लोग 1 बजे से पहले वहां तक पहुंचेंगे तो हमको वहां से आगे जाने दिया जाएगा। मतलब वहां से हमको गणेश टॉप है वहां तक दिया जाएगा और हम लोग एक मतलब के 1:30 बज गए तो हमको शेषनाग झील है वहीं पर रुकना पड़ेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे 12 बजे के अगल बगल हमको पहुंच ही जाना है शेषनाग झील है वहां तक, तो पहुंच ही जाना है कुछ भी करके। देखो तो अभी हम लोग वापस यहाँ से निकल चुके हैं आगे और रास्ते में पूरा दिखाता हुआ हम लोग चलेंगे शेषनाग झील। देख ही सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ का नजारा है और कुछ इस प्रकार से यहाँ का रास्ता है और अभी फिलहाल बारिश वगैरह हो नहीं रही, इसी कारण यहाँ पे बहुत ही मस्त मौसम हो चुका है और यहाँ पे चलने में भी बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग। और देखो कुछ इस प्रकार से रास्ता अभी है, यहाँ पे अभी बारिश नहीं है इसी कारण से रास्ता ऐसा, वरना तो सब कीचड़ वगैरह होता है, और अभी ऐसा नहीं है। देखो रास्ता भी बहुत मस्त है सब और यहाँ पे वेदर भी एकदम क्लियर है देखो एकदम, और ये जो दिख रहा है वो सब आर्मी के बेस कैंप है, मतलब आर्मी वालों के रहने की जगह यहाँ, और वो साल के 12 महीने यहीं पर रखते हैं और हम तो साल में 1 बार यहाँ पे आते हैं। और गाइस आप लोग पहलगाम से यात्रा करोगे तो आपको रास्ते में लोकेशन है बहुत ही मस्त मस्त आएंगे, जो आपको फोटो शूट के लिए बहुत ही बेस्ट में बेस्ट लोकेशन आएंगे। रेल वगैरह बनाना चाहते हो तो भी बहुत ही बढ़िया लोकेशन आएगा। अगर बालटाल वाले मार्ग से करोगे यात्रा तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा लोकेशन वहां पे नहीं होगा, और ये पहलगाम वाले रास्ते पे इतना अच्छा लोकेशन है, बहुत ही मस्त वेदर भी है यहाँ पे, तो यात्रा करने में भी बहुत ही मजा आएगा आप लोग को, और पूरी ऊर्जा के साथ चलोगे पॉजिटिविटी के साथ तो यात्रा करने में मजा और ज्यादा आ जाएगा। और गाइस कुछ कुछ जगहों पे रास्ता है थोड़ा बहुत खराब आएगा, पर जो पहलगाम से रास्ता है वही अच्छा है, बालटाल वाला मार्ग इतना अच्छा नहीं है। तो देखो गाइस यहाँ का एकदम नजारा देखो कितना सुंदर है, बहुत ही मस्त नजारा है और बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। देखो ऐसा नजारा आप लोग को भारत में ही देखने को मिलेगा और कहीं जगहों पे नहीं मिलेगा देखने को। तो देखो गाइस हमें सामने की साइड बर्फ वाले पहाड़ वगैरह देखना शुरू हो चुका है, अभी दोपहर भी होने को आई है और अभी हम लोग शेषनाग झील है वहां भी पहुंचने को आ गए अभी। और गाइस आप लोग को एक बात और बता दूं कि ये जो 2023 में बाबा अमरनाथ की यात्रा है सबसे लंबी यात्रा होने वाली है, क्योंकि हर साल कम से कम 40 से 42 दिन ही यात्रा चलती है और इस साल 62 डेज की यात्रा है, मतलब 62 दिन की यात्रा है इस बार, मतलब 2 महीने तक यात्रा चलने वाली है बाबा अमरनाथ की। और गाइस पहलगाम वाले मार्ग से ऐसे रास्ते पे छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे झरने वगैरह, फिर वॉटरफॉल वगैरह बहुत सारे देखने को मिलेगा, और ये सब आ रहा है जो शेषनाग झील है उनमें से ही सब कुछ आ रहा है, और ये सब वॉटरफॉल है वो तो पहाड़ों में से आ रहा है। देखो ये बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको ये पहलगाम वाले मार्ग से यात्रा करोगे तो।
देखो गाइज ऐसा नजारा है यहाँ का, इन पहाड़ों का नजारा वगैरह सब कुछ देखो, कितना मस्त व्यू वगैरह आ रहा है यहाँ पे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं, शेषनाग झील है वहाँ पर, अभी ये देख रही है आपको सामने नीचे किस्सा, वो है शेषनाग झील। यहाँ पे देखो ये बर्फ के टाइम पर ये पूरी झील है बर्फ से ढकी होती है, और अभी तो देखो पूरा पानी बह रहा है इसमें से, बर्फ का टाइम में मतलब स्नोफॉल होती है तब तो पूरी झील है वो बर्फ से ढक चुकी है, और अभी देखो कितनी मस्त लग रही है, और यहाँ का पानी भी देखो कितना साफ सुथरा है। यहाँ पे अभी बहुत ही मजा आ रहा है हमको, और यहीं पे आगे से हम यात्रा है और आगे करनी है, मतलब अभी तो हमको 11:30 बजे है और अभी आधा घंटा और चलेंगे तब हमको बेस कैंप आएगा शेषनाग झील का, वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद वहाँ से जो बॉर्डर वगैरह लगाया होता है ऐसा तार वगैरह लगाया हुआ है उसको हमको पार करना है, और उसके बाद चलेंगे गणेश टॉप तक। तो गाइज हम हमारा दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और अभी हमने दूसरा पड़ाव भी कर लिया पार, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वापस आगे, मतलब यहाँ पे जो दोपहर का खाना वाना है वो खाने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे आगे, मतलब भंडारे में ही खाना वाना खाएंगे, और यहाँ गणेश टॉप है वहाँ तक जाएंगे आज हम, मतलब हम लोग आज पहलगाम से निकलते हुए चंदनवाड़ी पहुंचे, वहां से पिच्छू टॉप, पिच्छू टॉप से शेषनाग झील, और यहाँ से अभी हम लोग शेषनाग झील से चलेंगे जो गणेश टॉप है वहां तक चलेंगे, और गणेश टॉप जाके हम लोग रात रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से गणेश टॉप पहुँचते हुए हमको रात हो जाएगी, तो हमको गणेश टॉप पे हमारे रात रुकना पड़ेगा, तो आज की रात हम लोग रुकेंगे गणेश टॉप है वहाँ पर। क्या है ना गाइस, जो चंदनवाड़ी से यात्रा स्टार्ट करते हैं और जो शेषनाग झील है वहाँ तक लोग पहुँचते हैं, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो कोई सा भी आदमी हो कैसा भी हो हट्टा कट्टा हो कोई भी हो यहाँ पहुँचते पहुँचते थक ही जाता है, इसी कारण से यहाँ पे रुक जाता है सब लोग। ये एक दिन का स्टॉप है वो यहाँ शेषनाग झील पर करते, पर हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग निकल चुके आगे और हम लोग चलेंगे गणेश टॉप है वहाँ पे, तो हमने यात्रा वापस कर दी स्टार्ट, अभी हम लोग चलेंगे गणेश टॉप है वहाँ, और देखो ये सामने दिख रही है शेषनाग झील और वो है बेस कैंप। और गए रास्ते में आपको चलने में कुछ भी तकलीफ हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हो गए, वो 100 मीटर पर एक आर्मी वाला हो गई, मतलब इंडियन आर्मी होगी हमारी, तो उसको आप लोग बोल सकते हो कि हमें ये तकलीफ हो रही, तो आप तुरंत ही आपकी सारवार के लिए वो लोग आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और जो ये अमरनाथ जी की यात्रा है पूरी यात्रा हमारे इंडियन आर्मी के थ्रू ही होती है, मतलब इंडियन आर्मी है उसी के थ्रू ये यात्रा पूरी की जाती है, वही आप लोग की मदद के लिए आते हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी चलते चलते हमें बहुत टाइम हो चुका है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब 10 से 15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग भी सुबह से चल रहे, मतलब 6 बजे से निकले थे तब से चल ही रहे, अभी बज रहे 2, तो अभी 2 बजे तक हम चले, अभी थोड़ी देर 10 से 15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग चलते चले आ रहे थे, तो रास्ते में अचानक से एकदम मौसम खराब हो गया, देखो अचानक से एकदम मौसम खराब हो गया, और यहाँ पे एकदम जोरों से बारिश होने लगी, और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे थे, मतलब ऐसे स्नोफॉल होता है ऐसे हो गए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और ये देखो इस तरह से बर्फ गिर रहा है, देखो छोटे छोटे गोले जैसे, देखो आप लोगों को दिख रहा है वैसे ही गिर रहा है, देखो तो अचानक से ऐसा मौसम हो गया, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया, तो यहाँ पे टेंट वगैरह था इसमें हम लोग को रुकना पड़ा, अभी 1 से 2 घंटा तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि मौसम एकदम खराब हो, तो चलने का तो नाम ही नहीं हमारा। तो गाइस 1 घंटा रुकने के बाद वापस बारिश थम गई, तो हम लोग निकल चुके हैं आगे वापस, यहाँ से देखो हम लोग वापस आगे निकल चुके, और यहाँ पे रास्ते में थोड़ा बहुत जगह पे बर्फ वगैरह गिरा हुआ था, मतलब स्नोफॉल हुआ था, तो हम वहाँ रुके, देखो इस तरह से बर्फ वगैरह यहाँ पे गिरी हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे आके रुके, हमारे फोटो वगैरह सब कुछ खींच रहे थे यहाँ पे आके, जो आर्मी वाले लोग थे उसको पूछ कर हम लोग यहाँ पे आए थे, उसके बाद फोटो वगैरह खींचने के बाद वापस चल गए यहाँ से आगे, देखो कुछ इस प्रकार से वापस नजारा यहाँ पे हो चुका है, वो नहीं है यहाँ का, थोड़ा बहुत क्लियर भी हो गया, देखो अभी बारिश हो रहा था और थोड़ी देर में वापस ऐसा मौसम हो गया, देखो और बादल एकदम आ गए हमारे नजदीक में, और देखो मेरा भाई है वो खुले पाँव से आ रहा है, मतलब नंगे पैरों से आ रहा है, ऐसे रास्ते पे नंगे पाँव यात्रा की उसने, पूरी यात्रा ऐसे की थी, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमको ठंड लग रहा था और अभी हमको वापस गर्मी जैसा माहौल हो गया है, जैसे गर्म माहौल हो गया, देखो ऊपर ऊपर साइड है चारों जगह पर बर्फ ही बर्फ दिख रही, और अभी हम लोग बहुत ही जल्द पहुंच गए हैं गणेश टॉप, मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है गणेश टॉप, अभी गणेश टॉप पहुंचने को ही आ गए हम लोग।
तो गाइज हम लोग आ चुके हैं गणेश टॉप पर, जो आप लोग को नीचे की साइड जो दिख रहा है जो छोटा छोटा वहाँ पे है बेस कैंप, वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे आज की रात। मतलब आज की रात हम लोग को रुकना है गणेश टॉप है वहीं पर, तो सामने आपको दिख ही रहा है गणेश। अभी हम लोग नीचे चलते हैं, वहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ किस तरह से गणेश टॉप और वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है रुकने की हमारे लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं गणेश टॉप पर, ये है गणेश टॉप और यहाँ पे नीचे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या व्यवस्था है हमारे लिए रुकने के लिए, रात रुकने के लिए क्या व्यवस्था। और गाइस हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल और हमारे ये वाले वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दें। और गाइस ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, ये दिल्ली वाले का भंडारा है, बहुत ही बड़ा भंडारा है और बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पे गणेश टॉप पर, बहुत ही मस्त जगह है। और अभी देखते हैं हमारे लिए रुकने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, अभी देखेंगे हम लोग। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारे श्री अयोध्या के वासी श्री राम जी की आरती हो रही, तो आरती में रुके और दर्शन ले रहे हैं हम। तो गाइस अभी हम लोग हमारे भाई का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई यहाँ पे पहुंचा नहीं, तो उसको आने के बाद हम लोग हमारा टेंट वगैरह का देखेंगे। तो गाइज हम लोग को अभी यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ भी यात्री निवास है, यहाँ गणेश टॉप है वहाँ भी यात्री निवास, तो हम लोग को यहाँ पे रुकने की व्यवस्था एकदम फ्री में हो जाएगी, हमारे खाने पीने की पूरी व्यवस्था एकदम फ्री, तो यहाँ रुकने की व्यवस्था भी फ्री में हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे फ्री में वन नाइट यहाँ पे स्टे करेंगे। तो यहाँ पे आर्मी वाला का जो बेस कैंप है उसके अंदर ही हमारा रुकने का व्यवस्था हो जाएगा, जो यात्री निवास है उसके अंदर ही। तो गाइज यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद हमारा लगेज वगैरह सब कुछ यहाँ चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग को यात्री निवास से उसके अंदर उनको परमिशन दे यहाँ पे रुकने के लिए। अभी हमारे यहाँ पे लगेज वगैरह हम लोग चेक करवाएंगे यात्री निवास के अंदर, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद सो जाएंगे आराम। तो देखो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करवा रहे, हमारा लगेज भी चेक करवा रहे यहाँ पे। तो गाइज आप लोग को हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो गाइज ये है यहाँ का यात्री निवास, कुछ इस प्रकार से यहाँ का यात्री निवास दिख रहा है, तो इसी में हमको रहना है एक नाइट के लिए, इसके अंदर ही हम लोग रुकने वाले। तो हम लोग अभी दिखाऊंगा अंदर जाके के अंदर से भी कैसा दिख रहा है गणेश टॉप के यहाँ पे और बाहर से भी इस तरह से दिख रहा है। तो देखो गाइज कुछ इस प्रकार से दिख रहा है अंदर से भी, और देखो यहाँ पे हमको वन नाइट स्टे करना है, उसके बाद कल सुबह वापस चलेंगे हमारी यात्रा के दौर पर, मिलेंगे बाबा अमरनाथ की गुफा पर। तो हर हर महादेव।